हेलो गाइस, गेमिंग एम्पायर के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस की जो 7th एनिवर्सरी आने वाला है, ठीक है। तो उसमें और क्या क्या नया चीज़ आने वाला है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया, तो उसके बाद और भी बहुत सारे लिंक्स मुझे मिल गए, तो इस सब के बारे में मैं जिस वाले वीडियो पर बात करने वाला हूँ, तो वो सब क्या होने वाला है, इस सबको आप लोग वीडियो के आगे जाकर देख लेना, ठीक है। तो बिना टाइम के चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी आज पहली बार मेरे चैनल को आ रहे हैं, मतलब पहली बार अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो जल्दी से जल्दी जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जल्दी से जल्दी क्लिक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर डेली मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो सबसे पहले इस सब के बारे में जानने के लिए, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार, क्यों बैठे हो, जल्दी से जाओ जो सब्सक्राइब वाला बटन उसको जाकर ठोक दो, ठीक है। तो उससे पहले एक और बात जान लो, मतलब लिंक्स को बताने से पहले एक और बात जान लो कि वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। मतलब वीडियो को पूरा देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं आज बहुत से इन्फॉर्मेशन के बारे में और भी बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टिक्स, मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग बात करने वाले जो शायद आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना भी जरूरी है, क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप लोग लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आज हमारे जो टॉपिक है इसके ऊपर। तो आप लोगों को तो पता है कि मैंने पहले, मतलब अगर आप लोग मेरे डेली व्यूअर हो तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है, मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस की जो 7th एनिवर्सरी आने वाला है अगस्त में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लैश ऑफ क्लैंस का हर एक साल एक नया नया एनिवर्सरी आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, ये हुआ हमारा 5th एनिवर्सरी का केक, उसके बाद ये रहा हमारा 6th एनिवर्सरी का केक, ठीक है। तो इस बार 7th एनिवर्सरी में क्या आने वाला है उसके बारे में मैं जिस वाले वीडियो पे बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में मैंने पहले बहुत सारे लिंक्स दे दिया, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चैनल को विजिट करके वो वाला वीडियो भी देख लो। तो आज मैं मतलब लिंक्स नंबर 2 के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब ये दूसरा वीडियो होने वाला है और भी बहुत सारे लिंक्स मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या वो लिंक्स है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो पे बताया था कि यहाँ पे देख सकते हो जो नया ऑब्स्टेकल है वो कुछ ऐसा गिफ्ट बॉक्स टाइप का होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो गिफ्ट बॉक्स है यहाँ पे देख सकते हो, तो कुछ ऐसा होने वाला है। तो इसी के साथ एक और नया ऑब्स्टेकल आने वाला है, तो ये भी लीक हुआ है क्लैश ऑफ क्लैंस के ऑफिशियल से, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे देख सकते हो, मतलब नीचे देख सकते हो यहाँ पे एक बेलून टाइप का है, मतलब एक बेलून टाइप का है। तो यहाँ पे जैसे कि हर बार क्या आता है यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे केक है तो हर बार ऐसा केक आता है, ठीक है। तो इस बार क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने थोड़ा अलग सोचा, तो इसलिए जैसे कि आप लोग पहले वीडियो पर आप लोगों ने देखा था कि गिफ्ट बॉक्स टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो गिफ्ट बॉक्स के साथ साथ ही एक बेलून आने वाला है, एक और ऑब्स्टेकल, तो यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। जो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, तो ऐसे एक बेलून टाइप का आने वाला है नया ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो चलिए बढ़ते इसके बाद जो नया लिख है तो उसके बारे में, तो कुछ नए नए स्टैचूस आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टैचू तो पता है कि मतलब कैसा होता है, ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है कि स्टैचू देखने में कैसा होता है। तो कुछ और भी टोटल 3 स्टैचू का लीक मुझे अभी मिल गया, तो टोटल 3 स्टैचू का लीक मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नया जो ग्रैंड वार्डन आया है, ठीक है, तो ग्रैंड वार्डन का 3D में लुक आ गया और कुछ दिखने में ये डिफरेंस हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ मतलब ग्रैंड वार्डन का ही एक नया स्टैचू आने वाला है, ठीक है। तो मतलब जो 7th एनिवर्सरी आएगा तब एक नया स्टैचू आने वाला है ग्रैंड वार्डन का, तो यहाँ पे देख सकते हो ये दिखने में कैसे होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नया स्टैचू आने वाला है, ठीक है, क्लैश ऑफ क्लैंस में 7th एनिवर्सरी पे। तो इसके साथ और भी दो नए नए, मतलब एक और नए नए दो आने वाला है स्टैचू, ठीक है। तो इसके बाद एक जो नया सेकंड स्टैचू है तो उसको देख लो, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्टैचू है थोड़ा स्कल जैसा है नीचे, ठीक है, खोपड़ी है नीचे, और उसके ऊपर देख सकते हो एक तलवार सा है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ आने वाला है नया स्टैचू। उसी के साथ एक और नया स्टैचू आने वाला है, तो इसको भी देख लो, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हो कि तीसरा जो स्टैचू आने वाला है वो देखने में कैसा होने वाला है, ठीक है। तो ये तीनों स्टैचू आने वाले क्लैश ऑफ क्लैंस के 7th एनिवर्सरी में, और उसी के साथ मैंने जो ऑब्स्टिकल दिखा ये भी आने वाले हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस के 7th एनिवर्सरी में, ठीक है। तो उसी के साथ बता दो कि एक नया ट्रूप्स भी आने वाला है, मतलब एक नया ट्रूप आने वाला है, तो उसके बारे में अगर आप लोगों ने अब तक नहीं जानते हो तो मेरे पिछला वाला वीडियो देखो, जिसमें मैंने 7th एनिवर्सरी के बारे में बताया, तो मेरे चैनल को विजिट करके उसको देख लो। उसमें मैंने बताया कि जो नया ट्रूप आने वाला है वो कैसा होगा, उसके स्पेस कैसा होगा, डीपीएस कैसा होगा, मतलब पूरा डिटेल्स में बात किया मैंने, ठीक है। तो उस वीडियो को जाकर देख लो। तो वीडियो कैसे लगा, लिंक्स अगर अच्छा लगा, मतलब 7th एनिवर्सरी के लिंक्स अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा वाला लिंक सबसे अच्छा लगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।